सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर आप अक्सर देखते होंगे कि जड़ों के ऊपर सफेद और लाल रंग में पेंट किया जाता है। पेड़ों के निचले हिस्से में पेंट करने का ये तरीका काफी पुराना है, लेकिन क्या कभी आपने इसके बारे में सोचा है कि ऐसा क्यों किया जाता है? दरअसल इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण हैं, जिसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। पेड़ों के निचले हिस्से में पेंट करने का ये तरीका काफी पुराना है। दरअसल इसके पीछे यही उद्देश्य होता है कि हरे भरे पेड़ों को और ज्यादा मजबूती देना। आपने ये देखा होगा कि पेड़ों में दरारें आ जाती हैं और उनकी छाल निकलने लगती है, जिसकी वजह से पेड़ कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में उन्हें मजबूत करने के लिए पेंट कर दिया जाता है। पेंट करने से पेड़ों की उम्र भी बढ़ जाती है। इसके साथ ही पेड़ों को पेंट करने के पीछे एक उद्देश्य ये भी है कि उनमें दीमक या कीड़े नहीं लगते हैं, क्योंकि ये कीड़े किसी भी पेड़ को अंदर से खोखला कर देते हैं, लेकिन पेंट करने की वजह से पेड़ों में कीड़े नहीं लगते। पेड़ों को पेंट करने से उन्हें कीड़ों से भी सुरक्षा मिलती है। पेड़ों को पेंट करने से उनकी सुरक्षा में भी सुधार होता है। ये इस बात का संकेत होता है कि वो पेड़ वन विभाग की नजर में है और उनकी कटाई नहीं की जा सकती। कुछ जगहों पर पेड़ों को रंगने के लिए केवल सफेद पेंट का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कई जगहों पर लाल और नीले रंगों का भी उपयोग किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग की सड़क के किनारे लगे पेड़ों को भी सफेद रंग से रंगा जाता है, ताकि रात के अंधेरे में भी ये पेड़ अपनी चमक के कारण आसानी से देखे जा सकते हैं। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देश ऑनलाइन पल्स ऑफ पीपल और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप अपडेट रहें हमारे नई वीडियो से।